आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। आइए दोस्तों नाज़रीन, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है, खुशामदीद है अब तक न्यूज़ चैनल MLG के अंदर। आज हम लोग यहां पर आए हुए हैं नेशनल हाईवे के पास में, नेशनल हाईवे के पास में जापर सेट कंपाउंड वाला, जहां पर एक जो इंडस्ट्री पावर लूम इंडस्ट्री यहां पर चलती है, जहां पर 150 से 200 से ज़ायद यहाँ पर मज़दूर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। लेकिन अचानक से आज ही की डेट में शनिचर के दिन आज सुबह से यहाँ का पूरा कारोबार ठप हो गया है। क्या डिमांडें हैं इनकी, क्या वजह है कि इन लोगों ने अचानक से कारोबार को बंद कर दिया है। यहाँ जितने भी मज़दूर यहाँ पर काम करते हैं, हम उनमें से कुछ मज़दूर से आज राफ्ता कायम करने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी क्या डिमांडें हैं, वो क्या चाहते हैं सेठ से, या उनकी क्या तकालीफ है और क्या क्या उन्हें यहाँ पर परेशानियाँ दरपेश आ रही है। इसी बात को जानने के लिए आज हम लोग यहाँ इनके पास आए हुए हैं। आइए हम चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि उन्हें क्या क्या तकलीफें और परेशानियाँ पेश आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेख अल्ताफ, शेख शकील शेख रहीम उर्फ अल्ताफ। अच्छा, आप यहाँ पर कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं कई सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या डिमांड है आपकी अचानक से हड़ताल पर जाने की? हमारी अचानक नहीं है, हम कई महीनों से इन सेठ को बोलते आ रहे हैं कि सेठ मजदूरी बढ़ाओ, कई सालों से ये मजदूरी नहीं बढ़ा रहे थे। आज मैंने बोला कि सेठ तुम मजदूरी बढ़ाओ, तुमने लॉकडाउन के बाद से ख़राब भीम लाए, हमको बहुत तकलीफ़ हो रही है, हमारा काम नहीं बैठ रहा है, इतनी मजदूरी हमको नहीं मिल रही कि हमारा घर चले, तुम मजदूरी बढ़ाओ। तो उन्होंने डायरेक्ट मुझको हटा दिया और बोले जो भी आवाज़ उठाएंगा मैं उसको बाहर कर दूँगा, पटता तो चलाओ नहीं तो घर जाओ, इस तरह के जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया। आप जो अभी मतलब ये अल्ताफ भाई ने यहाँ पर बताया वो सही बात है कि हर इन्हें कई सालों से अंदर 1 रुपये मजदूरी दे रहे हैं, 58 भी चलाते हैं बोले, और हमारा काम बैठता नहीं, हमें ज़्यादा यहाँ परेशानी बहुत है। तो कितनी मजदूरों की मजदूरी मतलब आपको मिलना चाहिए, कितने की डिमांड? कम से कम 1 रुपये 30 पैसे मजदूरी मिलना चाहिए गाँव के हिसाब से। आपका क्या मतलब इसके ऊपर बोलना है कि हम लोग एकदम गए थे जापर सेठ के बाद मजदूरी के मामले में बोलने के, तो जापर सेठ ऐसा बोलता कि बोले नहीं चलाने का कारोबार बंद कर दो, मजदूरी इतनी रहेंगी, मजदूरी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, तुमको चलाने चलाओ नहीं तो घर जाओ। ये कब तक मतलब आपका मतलब आंदोलन कब तक मतलब आप बैठने वाले आंदोलन पर? जब तक हमारा मामला तय नहीं हो जाता जब तक हम लोग बैठेंगे। क्या आपकी क्या राय है मतलब? हाँ सही है। आपकी यूनाइटी कितनी मजबूत है यहाँ पर, कितनी मतलब मजदूरों में एकता कितनी है यहाँ पर? एकता तो है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब जने इकट्ठा ही अभी गए घर पर खाना होना खाने आ जाएंगे सब। आपका मतलब क्या बोल रहे हैं? नहीं, जो हमारी जो यूनियन बनी वो तो आखिर तक रहेंगी, इसमें तो कोई तोड़ होगा नहीं, रुकावट होगी नहीं, मगर जो हमारी मांग है वो हमारी मांग पूरी होने जब तक हम लोग हड़ताली करके रखेंगे चालू नहीं करेंगे। अगर एक रोज़ में या 2 रोज़ में आपकी डिमांड नहीं पूरी होती है तो बंद रहे, और आगे इसको मतलब कैसे ढंग से आप लेकर जाएंगे? यानी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम चालू नहीं करेंगे, उसको 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, कितने भी दिन लगे। देखिए दोस्तों, ये मतलब यहाँ पर हम लोगों ने इनके तासुरात जानने की कोशिश की है कि इन्हें क्या परेशानियाँ क्या तकलीफ़ आ रही है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि मतलब अगर कोई अपने हक व अधिकार की आवाज़ को बुलंद करे तो उन्हें काम से निकाल देने की धमकी भी यहाँ पर सेठ ने दी है। इसी तरीके से यहाँ मालेगांव शहर के हम पीछे देख रहे हैं जो झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं कम्युनिस्ट पार्टी CI2 के, वो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनके जिम्मेदारान भी मौजूद है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस मजदूरों के धरने आंदोलन में वो इनका कितना साथ दे रहे हैं और किस तरीके से इनके साथ खाना बसाना खड़े हैं। हमारे साथ में अजहर वारपर जो CI2 के मतलब मालेगांव शहर के पदाधिकारी हैं, इनसे भी जानेंगे कि वो इनके साथ क्या साथ देने वाले हैं। ये आज सुबह मेरे को अल्ताफ भाई ने फ़ोन करके बताया कि मजदूरी के ताल्लुक से जब हमने सेठ से बात की यानी अल्ताफ भाई ने, तो उन्होंने कुछ जवाब इस तरह से दिया, अभी आपको अल्ताफ भाई ने भी बताया कि काम पे से हटा दूंगा, मजदूरी नहीं बढ़ाऊंगा, रूम बंद रखूंगा, जो भी उनका मामला था। फिर ये लोग स्ट्राइक पर बैठ गए, हमको मालूम पड़ा तो CI2 यूनियन नासिक जिला जनता महा कामगार के मार्फत और नासिक के तमाम जिम्मेदारों की परमिशन लेकर हम लोग यहाँ उनको सपोर्ट करने आए हैं। आज देखा जाए तो मालेगांव शहर में मजदूरों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है बरसों से, अब बल्कि ऐसा लगता है कि अब आधी हो गए, किसी को पता भी नहीं कि मजदूरों के क्या मसाइल है। जब मैंने इनसे मालूम ली कि इन्होंने बताया कि 1 रुपया पर मीटर मिलता है, 12 घंटे मेहनत करने के बाद हफ्ते की 2.5 से 3 हज़ार रुपये पगार बनती है, अगर इसको महीने के जोड़ा जाए तो 10 से 12 हज़ार रुपये बनता है, जो कि ना तो मिनिमम वेज में भी नहीं बैठती है, जबकि 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। इस तरह से
ये पगार बहुत कम है। हम भी डिमांड करेंगे, सेठ से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पगार बढ़नी चाहिए, और इन्होंने अपने हक के लिए जो आवाज़ बुलंद की है वाकई में काबिल मुबारकबाद है। और इस तरह से पूरे शहर के मजदूर इससे तहरीक इंशाल्लाह हासिल करेंगे। और मैं चाहूँगा मैं कामरेड वाजिद भाई भी दो शब्द कहे। बोलिए वाजिद भाई, आप मतलब क्या मतलब मजदूरों के ताल्लुक से बोलना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? मेरा तो ये बोलना है तमाम मजदूरों को और जापर सेठ को भी, यार जल्द से जल्द इनकी मजदूरी बढ़ा दो और कारोबार चालू करो। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो ये स्ट्राइक लंबी बढ़ जाएंगी और इससे हालात ख़राब होंगे। इससे बेहतर है कि यार फौरन इस पर कुछ सोचो और जल्दी से जल्दी बात करके कारोबार चालू करो। तो देखा दोस्तों ने आप यहाँ पर किस तरीके की मतलब गर्मा गर्म मतलब माहौल बना हुआ है कि मजदूर और मजदूरों के साथ साथ अपना जो कम्युनिस्ट पार्टी CI2 के जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद है वो पूरी तरीके से एक आंदोलन के मूड में नज़र आ रहे हैं। वो पूरी तरीके से एक आंदोलन छेड़ने के लिए यहाँ पर तैयार खड़े हुए हैं। उनकी एकता, उनकी संगठना बहुत ही मजबूत नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि ये संगठना कितनी लंबे समय तक और मजदूरों की हड़ताल कितने वक्त तक चल सकती है, कितने लंबे वक्त तक जा सकती है, और सेठ पर इस आंदोलन का क्या असर होता है, क्या असरात मतलब इसके शहर पर जाते हैं, क्या मजदूरों को उनका हक वो अधिकार मिलेगा या फिर इसके अंदर कोई नया मोड़ आएगा। आइए अब हम जानेंगे इसके अगले आंदोलन पे, इसके अगले धरने पर कि आज तो इसका आगाज़ है, इसका इख्तिताम कब होता है और किस बात पर होता है, ये जानने के लिए हम देखेंगे। अब यहाँ से कंटिन्यू हमारी न्यूज़ उनको कवर करते रहेंगी कि कब तक ये आंदोलन, ये धरना, ये प्रदर्शन चलता रहता है और किस मोड़ पर जाकर इसका अंतिम मतलब यहाँ पर निर्णय निकलेगा। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए अब तक न्यूज़ चैनल मालेगाँव में। आपका स्वागत है।